दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली एक टोकन के ऊपर सारी की सारी अपनी डिस्कशन रखेंगे और साथ ही साथ जिसका हमारा टाइटल है कि भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ $100 से इसके अंदर एंट्री लेते हो आज के दिन में, आज 2021 में, तो आप लोगों को कितना मुनाफा हो सकता है और कितने अरसे में होगा, ये हम लोग तमाम बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा हम लोग मार्केट के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो मार्केट तकरीबन बीटीसी दोबारा 40,000 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, मगर यहाँ पे एक बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि भाई दोबारा से BTC मुझे करेक्शन की जानिब जाता हुआ अभी नजर आ रहा है इस वक्त। और आप लोगों को पता है जब जब BTC रिकवरी की तरफ जाता है या अपने करेक्शन की तरफ जाता है तो रिकवरी की तरफ जाता है तो सारे जो कॉइन्स हैं आल्ट कॉइन्स हैं वो भी रिकवर हो जाते हैं, और जब जब करेक्शन की तरफ जाता है उस वक्त तमाम आल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी करेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो अभी मुझे नजर आ रहा है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है, करेक्शन की तरफ जा सकता है ये वाला कॉइन BTC यानी कि 200 वाले से। बाकी मार्केट में भी आप लोगों को एक फ्लक्चुएशन नजर आ सकती है क्योंकि मैनिपुलेशन काफी ज्यादा है इस वक्त मार्केट में, उस हवाले से सारा का सारा मसला है। बट हमारा टॉपिक BTC नहीं है, ना ही आल्ट कॉइन्स है, हमारा टॉपिक है शिबा इनू। दोस्तों शिबा इनू जो है ये मैं काफी पहले से आप लोगों को कहता आ रहा हूं, हाँ भाई इसको बाय करो। बहुत से दोस्तों ने किया भी है, बहुत से दोस्तों ने नहीं भी किया। आज हम लोग इसके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे कि आया इसको अब क्या आपके ख्याल से नई हाइप मिल सकती है, क्या होगा इसका, कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी एक्सचेंजेस को डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई एक्सचेंज हो जिसके ऊपर अभी तक नहीं आया, लाइक बाइनेंस, यूओबी, एल बैंक, ओकेज, उसके अलावा नामी एक्सचेंज, हिट BTC, Gate.io, बिटमार्ट, क्यू कॉइन, मतलब तकरीबन हर एक्सचेंज के ऊपर आ चुका है सिवाय Coinbase के। Coinbase के लिए ऑलरेडी शिबा इनू की एक आर्मी है, शिप आर्मी, ठीक है। जिस तरह अब हम लोग यहाँ पे मैं साथ ही साथ ओपन बल्कि कर लेता हूँ या डॉज कॉइन, ताकि ना आप लोगों को अच्छे तरीके से हर चीज की अपनी समझ आती जाएगी। ये जी मैंने डॉज कॉइन को ओपन कर लिया। अब डॉज कॉइन में एक मेजर चीज क्या थी, डॉज कॉइन में भी उनकी डॉज आर्मी थी, उसी तरह शिप आर्मी इनकी बन चुकी है। और इस वक्त अपना रेडिट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो अपना मोस्ट एक्टिव अपना आर्मी कह सकते हो, ठीक है, किसी भी आल्ट कॉइन की, तो वो इस वक्त शिप आर्मी चल रही है। अब यहाँ पे हम लोग मेजर चीज ये डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी के अभी इस कॉइन के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद $100 मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, $100 अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को मिलेंगे तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब कॉइन्स। यहां से आप लोग देख सकते हो 99 लाख के करीब आप लोगों को कॉइन्स मिलेंगे। अब आप लोगों ने इसको कितना अरसा होल्ड करना है सबसे पहला सवाल, दूसरा सवाल आया इसको होल्ड करके कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक एक करके मैं हर चीज को आपको समझाता हूं। अच्छा यहां पे तो उन्होंने ये जो मेन ट्वीट्स किए हैं ये तो सिर्फ ये बताया कि भाई इधर हम लोग लिस्टेड हो चुके हैं। खैर हम लोग अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। पॉइंट हमारा क्या है कि आया ये टोकन हमें मुनाफा देगा या नहीं देगा। दोस्तों मैं अब आप लोगों को एक मैथ्स करके समझाऊंगा। अच्छा जब ये मैक्सिमम गया था तो तकरीबन हम लोग चलते हैं इसके चार्ट की जानिब, ठीक है, ये हम चलते हैं हमने 30 डेज के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ से आके हम लोग इसकी ये इसकी मैक्सिमम प्राइस थी और इसमें इसके ऊपर कोई जो इसका वॉल्यूम था अपना 15 अरब के करीब तब अपना 15 अरब के करीब इसका वॉल्यूम गया था जब इसकी प्राइस गई थी 0.00003761, ये इसकी मैक्सिमम प्राइस थी और यहाँ पे इन्होंने 3791 लिखा हुआ है, इससे कोई मसला नहीं है। एनीवेज अब यहाँ पे इसकी गई अपना 15 अरब के करीब, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डॉज कॉइन के अंदर। डॉज कॉइन जब मैक्सिमम में गया, मैक्सिमम में जब इसकी प्राइस गई तो तब उसके अंदर तकरीबन कोई वॉल्यूम था जी 31 अरब का उसके अंदर वॉल्यूम गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपल मैथ्स करके देखते हैं। अब जिस तरह हम सबको पता है कि भाई डॉज कॉइन की तो लातदाद किस्म के पीछे सप्लाई जो है वो जारी हो सारी है, ठीक है, मगर अपना शिबा इनू का ऐसा चक्कर नहीं है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यहां से चेक करवाता हूं एक एक करके। अच्छा ये जो अपना इथीरियम वाले भाई साहब थे इन्होंने काफी ज्यादा ये देख लें आपके सामने कोविड रिलीफ फंड के लिए इन्होंने पहले पैसे दिए काफी ज्यादा। असल में होता क्या है कि कोई भी नया आल्ट कॉइन आता है ना वो क्या करता है कुछ ना कुछ आल्ट कॉइन्स या अपने कुछ अपना फॉर एग्जांपल कोई भी कॉइन आपका है ABC तो वो क्या करते हैं कि भाई इन भाई साहब को भेजते हैं फॉर द गुड लक के यार इसको पहले हम भेजेंगे इतने कॉइन्स, ठीक है। तो मोस्टली तो ये कॉइन इस्तेमाल नहीं करते थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो कॉइन आए थे शिबा इनू शिप के नाम से इन्होंने उसको एज इज कुछ ना कुछ रिलीफ फंड में दिया, बाकी सारे इन्होंने कॉइन्स बर्न कर दिए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई इससे नुकसान हुआ टीम को, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ,
ठीक है, मेन स्ट्रीम में ये टोकन आ गया, ठीक है, जिसके बारे में पता ही नहीं था, शिबा इनू शिव के नाम से ये कॉइन मेन स्ट्रीम में आ गया सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी हरकत की वजह से कि भाई इथेरियम वाले भाई साहब ने जो कॉइन्स है उनको बर्न किया, उन्होंने रिलीफ फंड में दिए पैसे, उसकी वजह से ये कॉइन मेन, आप कह सकते हो मेन स्ट्रीम के अंदर आ गया। अब अगली चीज ये रह गई इसकी मुकम्मल सप्लाई, ठीक है। यहां से अब हम लोग अगर बात करें, मिसाल के तौर पे हम लोग ज्यादा नहीं जाते, कोई बड़ी बात नहीं करते, हम कहते हैं चलो जी 29 अरब ही अगर इसके अंदर भी आके, जैसे डॉज कॉइन के अंदर 31 अरब गया था वॉल्यूम, उसी तरह शिबा इनू के अंदर भी 31 अरब वॉल्यूम आ जाता, चलो जी हम लोग उसको प्राइस देखते हैं क्या बन सकती है, यूनिट 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि यहां तक, यानी कि फिर भी हम लोगों के पास पीछे मिनिमम कुछ 3 से 4 जीरो जो है वो पीछे रहेंगे। अब जरूरी चीज हो क्या रहा है, इसको बात को समझने की कोशिश करना। ऑलरेडी शिबा इनू कॉइन जो है इसने कॉइन बेस के ऊपर, साथ ही साथ इसने अपना रॉबिनहुड के ऊपर, इन लोगों ने ऑलरेडी वहां पे अपने क्या कहते हैं अपनी पिटीशन साइन की हुई है, और लोग अपना धड़ाधड़ जो इनकी आर्मी है शिबा इनू की आर्मी, वो वहां पे सुबह शाम जो है जाके इसकी पिटीशन में हिस्सा ले रही है। अच्छा जी, ये हम लोग आ गए हैं शिबा इनू के ऊपर। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ आज मेरी वीडियो के बाद $100 की इन्वेस्टमेंट अपनी करते हो किसी भी एक्सचेंज पे, मैं कोई एक्सचेंज मेंशन नहीं करना चाहूंगा, बेनेस पे करो, हियोबी पे करो, ओकेस पे करो, क्यूकॉइन पे करो, इट्स अप टू यू। खैर, अभी आप लोगों के पास आए तकरीबन 998,039 कॉइन्स, ठीक है जी, आपके पास तकरीबन 1 करोड़ के करीब कॉइन्स आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आप लोगों को दिखाता चलता हूँ, ये इसका ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हो चुका है, जिस दिन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था, एक दफा खूब पंप की जानेब ये कॉइन गया था। अब मिसाल एक के तौर पे मैं कोई बड़ी बात नहीं करने लगा कि भाई इसकी प्राइस ऐसे हो जाएगा। अब मगर उससे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि देखो मीक मिल और भी इस तरह के कुछ इन्फ्लुएंसर्स अगर इस कॉइन के अंदर एंट्री ले लेते हैं तो डेफिनेटली प्राइस पंप की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर चलो हम लोग एक तरह का ये कर लेते हैं, भाई इन्फ्लुएंसर्स भी आए, सारा कुछ आया, तो इसकी प्राइस पंप कब तक होगी? सबसे पहला जो आपको इसका एक अच्छा पंप नजर आने को आएगा वो आएगा आपके पास कम से कम इस साल के एंड पे। उसकी रीजन क्या है, कुछ दिनों के अंदर अंदर ये लोग अपना शिबा स्वैप के नाम से एक लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मैं आप लोगों को समझाता जाऊं, डॉज कॉइन वालों ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हम लोग डॉज स्वैप लेकर आएंगे, अभी तक डॉज स्वैप जो है वो नहीं आया मार्केट में, मगर शिबा वाले जो हैं, जिस तरह ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्रॉस करना है, मतलब कहते हैं एक टारगेट इनके दिमाग में ये कि हम लोगों ने किसी तरह भी डॉज कॉइन को क्रॉस करना है, तो उस हवाले से ये लोग अपना शिबा स्वैप लेकर आ रहे हैं, एक एक्सचेंज जहां पे आप लोग स्वैपिंग कर सकोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल शिबा स्वैप, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि आजकल हम लोग उस पर काम करें उसकी सिक्योरिटी वगैरह हर चीज के ऊपर, तो उस हवाले से अगर शिबा स्वैप को ये लोग जल्दी लॉन्च कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी मंथ कर देते हैं या नेक्स्ट मंथ कर देते हैं जून के अंदर, तो फिर आप लोगों को ओवरऑल एक अच्छा फायदा देखने में नजर आ सकता है शिबा के अंदर, शिबा इनू के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने अभी के अभी $100 इन्वेस्ट किया है और आप लोगों को, मैं नहीं कहता ज्यादा, अगर कॉइन की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 0.001 पे भी जाती है, तब भी आप घर बैठे बैठे कोई 10,000 के करीब आसानी से कमा लोगे। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यहां पे मैं पहले क्लियर कर दूं, नीचे भी जा सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉइन यहां से जो इस वक्त प्राइस है यहां से अच्छा खासा नीचे चला जाए, ये जो करेक्शन अभी आनी है उस सिलसिले में, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन आप लोगों को अगर एटलीस्ट 0.001 पे भी जाके टच करता है ना, तो भी आप लोगों को अच्छे खासे पैसे ये देके जाएगा। तो $100 की इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा पंगा लेने में कोई हर्ज नहीं है, पहली चीज ये है। और जिस तरह मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, शिबा स्वैप विल बी मतलब अपना कह सकते हो कि एक बहुत अच्छी गेम चेंजर के तौर पे साबित हो सकती है वो एक्सचेंज शिबा स्वैप। और उसके अलावा साथ ही साथ यार मजे की बात यह है कि देखो रॉबिनहुड और कॉइनबेस ये दो मेन एक्सचेंजेस बाद में रह जाएंगे। अच्छा, रॉबिनहुड जो है वो स्टॉक्स को भी देखती है, यहाँ से एक और जो है ना अकलमंदी वाली बात वो भी समझने की कोशिश करो, रॉबिनहुड है वो स्टॉक्स को देखती है, तो डेफिनेटली जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले हैं वो भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये चांसेस हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ऑलरेडी इसने अच्छा खासा वॉल्यूम गेन किया भी था, यहाँ से आप लोग देखो तकरीबन अगर हम लोग इस वाले पॉइंट पे चलें तो इस वाले पॉइंट पे इसने अच्छा खासा तकरीबन कोई अपना 15 अरब के करीब इसके अंदर वॉल्यूम जा भी चुका है एक दफा, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर दिस टोकन शिप के लिए। और मेरे अंदाजे के मुताबिक हाँ कुछ ना कुछ इसके अंदर इफेक्ट आएगा, शिबा स्वैप का इफेक्ट हो सकता है वो, या उसके अलावा कुछ इन्फ्लुएंसर्स का इफेक्ट हो सकता है, बट दिस कॉइन
विल एटलीस्ट मैं ज्यादा नहीं कह रहा, ये 2-0 जो है इसको बर्न करने में ये कामयाब हो सकता है बहुत जल्द, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि भाई कुछ दिनों में हो जाए। मैं जो इसकी अपनी प्रेडिक्शन निकाल रहा हूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो सही बोल रहा हूँ जैसल में जो हमारा स्टार्ट होना है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्टिंग में या अपने सितंबर के एंड में इसमें आपको अच्छा बुल रन क्रिप्टो मार्केट में नजर आएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के मिड तक चलेगा और उसके बाद खत्म, क्योंकि मार्केट इस वक्त बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं हो रही। मार्केट इस वक्त इतनी पैरेलल चल रही है, सारी की सारी 2017 वाले चार्ट को फॉलो कर रही है 2021 में, तो डेफिनेटली ये आप लोगों को नजर आएगा भाई 2-0 उड़ाएगा, 2-0 उड़ा के उसके बाद जाके वहां पे बैठ जाएगा 2-3 साल के लिए, सेम लाइक डॉज कॉइन। उसके बाद फिर आगे पंप करेगा, वो हम लोग फिर अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है जी आज की मेरी अपडेट शिबा इनू के हवाले से, और मैं अपने तमाम दोस्तों को ये कहूंगा कि अगर तो आप लोगों को ट्रस्ट है, ठीक है, ये इतना वेट कर सकते हो, मगर ये मैं पहले बता दूं, इस तरह नहीं है कि अभी खरीदा अभी हम अगले दिन बेचेंगे, शॉर्ट टर्म काम नहीं जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए है। $100 भी अगर लगा लेते हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को 4-5 महीने में अगर अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो क्या बुराई है, इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों।